केपीएस स्कूल नेहरू नगर के छात्रों ने सीबीएसई परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विद्यालय का परचम लहराया है। ये सर्वोत्कृष्ट परिणाम छात्रों व शिक्षकों के वर्ष भर की कड़ी मेहनत व उचित मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिरिक्त कक्षाएं लगाकर औसत दर्जे वाले तथा मेधावी विद्यार्थियों की प्रतिभा को और भी मुखरित करने के लिए विशेष मार्गदर्शन दिया जाता है। केपीएस के वाइस चेयरमैन आनंद त्रिपाठी ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हेतु छात्र छात्राओं व पालकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारा विद्यालय छात्रों के सर्वांगीण शिक्षा एवं विकास हेतु दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, यदि विद्यार्थियों में सजगता, एकाग्रता, लगन हो तो उन्हें मेहनत के बलबूते कामयाबी जरूर मिलती है। कृष्णा पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट प्राचार्य मैडम सरिता त्रिपाठी, वहाँ के टीचर्स के इन अथक परिश्रम से जब मेरे पास रिजल्ट आया तो मैं रियली सरप्राइज कर लिया कि ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है किसी स्कूल का, जिसमें 12th क्लास में मैं ये देखा कि जिसका हाईएस्ट परसेंटेज 98.2 रहा, और करीब 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 क्या है, एग्जैक्ट मैं बता दे रहा हूं कि मोर देन 90% लगभग कितने 49 स्टूडेंट्स रहे हैं। यहीं तक नहीं, आई रियली वेरी सरप्राइज कि 100 आउट ऑफ 100 में 23 स्टूडेंट्स पाए, जो एक एजुकेशन का, हम कहते हैं अगर सीबीएसई का रिजल्ट को रेशो वाइज ले ले तो कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर या कृष्णा पब्लिक स्कूल की पूरी संस्थाएं इस लेवल पर वर्क कर रही है कि छत्तीसगढ़ को जो योगदान दिया वो कोई दे नहीं सकता है। मैं आपसे ये प्रॉमिस कर रहा हूं। जहां तक 10th की बात है, 100 अपॉन 100, 100% रिजल्ट, 100 अपॉन 100 में मोर देन 10 स्टूडेंट्स पाए हैं, और इसके अलावा जितने भी परसेंट 90% एबव में, मैं संख्या नहीं बता सकता कि इतनी संख्या आई है, शायद 45 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल हैं, हमारा जो मैनेजमेंट है, इनको जो कोऑपरेट करता है, एक मीडियम क्लास के स्टूडेंट्स को उठा करके ला करके 98.4% में ले आना, एक रियली बहुत बड़ा योगदान है, सिर्फ भिलाई के लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए। मैं आपके लिए रियली बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे उस लायक समझा कि मेरा इंटरव्यू लिया, मेरा बाइट किया लिया, और आगे भविष्य में हम लोग अगर ऐसा ही करेंगे तो एक नई चीज हम लाने जा रहा हूं, जो आज नहीं डिक्लेयर करूंगा, कुछ दिन बाद आपको एक दूसरे न्यूज में डिक्लेयर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।